Hello students, welcome in class 7 science. In this video lecture I am going to start second chapter, that is acids, bases and salts. So students, आपका chapter 2 है acids, bases and salts. तो बच्चों, जो matter होता है, matter को 3 category में divide किया गया है, acid, base और salts. एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स. एसिड का एग्जांपल है जैसे लेमन, विनेगर. बेस का एग्जांपल है टूथपेस्ट और सोप, ठीक है, जो कि कॉमन एग्जांपल है और हम लोग यूज भी करते हैं, आप अपने लाइफ में यूज भी करते हैं, डेली लाइफ में. विनेगर आपको पता है सिरका, लेमन मीन्स नींबू का जो जूस होता है, लेमन जूस. और साल्ट्स में आता है कॉमन साल्ट, जिसका फार्मूला है NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड. इसको हम लोग खाने में यूज करते हैं, जो आपका खाने वाला नमक है उसी को हम बोलते हैं कॉमन साल्ट, और उसका फार्मूला है NaCl, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड. इसी तरह से एक दूसरा साल्ट है सोडियम कार्बोनेट. तो हम लोग एसिड, बेस और साल्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो सबसे पहले हमको पढ़ना है ऐसे सबस्टेंस के बारे में जो हमको ये बताते हैं कि कोई भी सबस्टेंस एसिड है कि बेस है या साल्ट्स है. तो टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्टिंग फॉर एसिडिक एंड बेसिक सबस्टेंसेस. मीन्स अगर ढेर सारे सबस्टेंस हैं, हम अपने डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, इसके लिए टेस्ट कैसे करते हैं. इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का. इंडिकेटर्स क्या हैं, सबस्टेंसेस दैट गिव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स, या इसी को हम सिंपली बोलते हैं इंडिकेटर्स. मीन्स इंडिकेटर्स ऐसे सबस्टेंस हैं. इंडिकेटर्स क्या हैं, ऐसे सबस्टेंस हैं जिनका यूज हम करते हैं किसी भी दिए गए सबस्टेंस को यह पता करने के लिए कि वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है. तो ऐसे सबस्टेंस जो हमको ये बताते हैं कि कोई भी दिया गया सबस्टेंस एसिड है या बेस है, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे पहला है आपका लिटमस. लिटमस क्या है, ये एक तरह का लिटमस सॉल्यूशन होता है और ये हमको मिलता है फ्रॉम द लाइकेंस, ऑब्टेंड फ्रॉम लाइकेंस. लाइकेंस क्या है स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स हैं. और एक्चुअली में है क्या, ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई. एल्गी और फंजाई मिल करके एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको हम लाइकेंस बोलते हैं. तो आपको बस ये जानना है लाइकेंस क्या है, दीज आर द स्मॉल प्लांट्स, और इन्हीं से हमको क्या मिलता है, लिटमस मिलता है. इसको यूज कैसे करते हैं, इस लिटमस जो मिलता है लिटमस सोलूशन, उसको हम डायलूट सोलूशन बना लेते हैं. डायलूट सोलूशन बना करके इसका यूज करते हैं कि कोई भी दिया गया सबस्टेंस एसिड है या बेस, या लिटमस पेपर बना लेते हैं. लिटमस सॉल्यूशन का यूज करके एक लिटमस पेपर बना लेते हैं. तो ये लिटमस पेपर क्या होता है, बिल्कुल आपकी जो जो आपका फिंगर है, उंगली, उंगली के इतना चौड़ा एक पेपर का स्ट्रिप होता है, इसी को हम बोलते हैं लिटमस पेपर. तो चाहे हम डायलूट सॉल्यूशन ले लें लिटमस का, चाहे लिटमस पेपर, इन्हीं दोनों का यूज करके हम ये पता करते हैं कि कोई भी दिया गया पदार्थ या सबस्टेंस एसिड है या बेस. जैसे लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर, दोनों में से कोई ले लें. तो ये क्या करते हैं, दे गिव्स रेड कलर विथ एसिड, एसिड के साथ रेड कलर देते हैं. एंड गिव्स ब्लू कलर विथ बेस, बेस के साथ क्या देते हैं, ये ब्लू कलर करते हैं देते हैं. मीन्स अगर कोई सबस्टेंस है उसको हम लिटमस सॉल्यूशन पे अप्लाई कर दें या लिटमस पेपर पे अप्लाई कर दें, अगर लिटमस पेपर का कलर या लिटमस सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाता है किसी भी सबस्टेंस को मिलाने से, तो वो सबस्टेंस एसिड हो जाएगा. अगर वो बेसिक सबस्टेंस है तो उसको जैसे ही हम लिटमस पेपर पर अप्लाई करेंगे वो ब्लू कलर का हो जाता है. तो इस तरह से आपका पहला एग्जांपल हो गया लिटमस, लिटमस जो कि इंडिकेटर का काम करता है. सेकेंड एग्जाम्पल है फिनालथेलिन. फिनालथेलिन क्या है, ये दूसरा इंडिकेटर है जिसका यूज करते हैं हम लोग एसिड और बेस का पता करने के लिए, एसिडिक सबस्टेंस और बेसिक सबस्टेंस का. तो जो इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है फिनालथेलिन का, वो कलरलेस होता है. कैसा होता है,
कलरलेस। और ये जो कलरलेस सोल्यूशन है, जैसे ही इस पे हम बेस अप, ये रेड या पिंक कलर देता है, मीन्स इट गिव्स रेड और पिंक कलर विथ बेस, बेस के साथ रेड या पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम एसिड उस पे अप्लाई कर दें तो देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ फिनाल्थेलिन, मीन्स ये कलरलेस ही रहता है, कलरलेस है और कलरलेस ही रहता है। एसिड अप्लाई करेंगे देयर इज नो एनी चेंज, तो इससे हमको पता चल जाता है कोई सबस्टेंस एसिडिक है या बेसिक सबस्टेंस है बाय यूजिंग फिनाल्थेलिन। नेक्स्ट इंडिकेटर है आपका टर्मेरिक जूस। टर्मेरिक मीन्स हल्दी, ये आपके घर पे बिल्कुल अवेलेबल है, इसको आप बना भी सकते हैं। हल्दी लेकर के उसको आपको घोल बना लेना है, टर्मेरिक जूस। ये क्या करता है, इट आल्सो टेल्स अस दैट एनी गिवन सबस्टेंस इज एसिड आर बेस। तो टर्मेरिक जूस येलो इन कलर होता है, कैसा होता है, येलो कलर का। तो इस पे अगर हम बेस अप्लाई कर दें, कोई बेस अप्लाई करें, तो बेस के साथ ये क्या होता है, इट टर्न्स रेडिश टू डीप ब्राउन। बेस जैसे ही अप्लाई करेंगे वो उसका कलर रेड कलर में ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है, सपोज करिए कि आप कहीं पार्टी में गए हैं और वहाँ सब्जी खा रहे हैं और सब्जी आपके कपड़े पर गिर गया तो उसका दाग लग जाता है, पीला पीला कलर लग जाता है, तो वो किसका कलर होता है, टर्मेरिक का। तो जब आप कपड़े को साफ करते हैं तो आप उस पर डिटर्जेंट या सोप जो भी लगाते हैं तो आप देखते हैं जो पीला कलर था जैसे ही अप्लाई करते हैं तो रेड कलर का हो जाता है या डीप ब्राउन कलर का हो जाता है। इसका मतलब जो आपका सोप है कैसा है, वो बेसिक इन नेचर है। और जैसे ही आप पानी में डाल करके फिर उसको जो साबुन या डिटर्जेंट जो आपने लगाया है उसको रिमूव करते हैं, वो फिर से येलो इन कलर हो जाता है। और ये जो टर्मेरिक जूस है एसिड के साथ क्या करता है, देयर इज नो एनी चेंज, इट रिमेंस येलो, येलो है तो येलो ही रहेगा एसिड अप्लाई करने पर। नेक्स्ट है स्टूडेंट चाइना रोज जूस। अगला इंडिकेटर है चाइना रोज जूस। ये भी क्या करता है, मीडियम, बेसिक मीडियम में जो चाइना रोज है, रोज चाइना रोज, रोज इन कलर होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिक मीडियम में ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और एसिडिक मीडियम में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट और आता है रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज जूस ये पर्पल कलर का होता है, किस कलर का होता है, पर्पल कलर का। और बेसिक मीडियम में जो ये रेड कैबेज जूस पर्पल कलर का है वो चेंज हो जाता है ग्रीन कलर में, मीन्स बेसिक मीडियम में ग्रीन में चेंज हो जाएगा और एसिडिक मीडियम में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं। तो इन सारे इंडिकेटर्स में कोई भी एक इंडिकेटर लेकर के हम किसी भी सबस्टेंस को चेक कर सकते हैं कि जो सबस्टेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे।